मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य पत्रकार की रिपोर्ट। खेल को खेल की भावना से खेले, खेल से बढ़ता प्रेम और भाईचारा। डॉक्टर आलोक शाक्य। नगला शीश में टूर्नामेंट का फीता काटकर हुआ शुभारंभ। भोगांव क्रिकेट टीम ने 37 रनों से नगला खरा को हराया। मैनपुरी भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला शीश में तथागत क्रिकेट टूर्नामेंट के बैनर तले हो रहे टूर्नामेंट का उद्घाटन शनिवार को अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह शाक्य ने फीता काटकर व बल्लेबाजी व क्रिकेट खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक सिंह शाक्य ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले, खेल से प्रेम भाईचारा बढ़ता है, जिसमें हार जीत पर ध्यान न दिया जाए। जब दो लोग दंगल में लड़ते हैं तो एक की हार होती, एक की जीत होती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभ आशीर्वाद दिया। तथागत क्रिकेट टूर्नामेंट नगला शीश के बैनर तले हो रहे टूर्नामेंट मैच अवंती बाई क्लब भोगांव और नगला खरा के बीच मैच हुआ। नगला खरा टीम ने टॉस जीता, जिसमें भोगांव क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन का लक्ष्य रखा और निर्धारित 12 ओवरों में 137 बनाए। नगला खरा क्रिकेट टीम 100 रनों पर ही ढेर हो गई और भोगांव टीम ने 37 रन से विजय हासिल की। मैन ऑफ द मैच 78 रनों से पारी खेलने वाले प्रियांशु को दिया गया। इस अवसर पर इमरान जावेद खान, लालू यादव, सुमित रत्न, सुशील कुमार, कलेक्टर सिंह भूपेंद्र सिंह, केशव सिंह राम अवतार शाक्य, मलखान सिंह टाटा शाक्य, राजू शाक्य, पुष्पेंद्र शाक्य, जितेंद्र शाक्य, मिलाप सिंह विकास शाक्य सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बोले हेलो एवरीवन, वी आर रियली हैप्पी टू ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट ओवर हियर इन ओवरसीज एंड होप वी ऑल आर टुगेदर अचीव गुड थिंग्स एंड एंजॉय ऑल टुगेदर। सो होप for the west be enjoying all together and today's ribbon cutting by the Mr. Dr. Alok Singh Shaakya as well as Imran Javed Khan. So these are the chief guests for this tournament. That's it. आज आपने तथागत क्रिकेट टीम नंगला सीस का शुभारंभ किया है, इन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा इनको संदेश यही है कि मैच अभी जो आगे होने वाले हैं, अभी लगभग लगातार आगे होते रहेंगे, टीम भावना से खेलें, क्योंकि क्रिकेट मैच एक ऐसा मैच होता है जिसमें दोनों टीमें 11-11 खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं और आपस में समन्वय बना के खेलें, तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और हार जीत तो लगी रहती है, उसको अपने दिल पे न लें, क्योंकि दो टीमें लड़ रही हैं तो कोई ना कोई तो एक जीतेगा, कोई नहीं। तो अपना धैर्य बनाए रखें और आगे के मैच खेलते रहें।